hello and good morning all of you welcome to alpaya's academy and this is lecture number 23 of the science and tech series and also the second part of astrophysics and space technology now in this particular lecture we will be discussing about the various missions and various you know programs of the indian space Research organization now, टू फेल हुआ था चंद्रयान थ्री की अभी घोषणा की गई है और चंद्रयान वन जो था बहुत पहले छोड़ा गया था अभी हम दो मिनट में देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था तो वो थोड़ा सा मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा और थोड़ा सा आपको इंगेजिंग रखने के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन में आपको मोटा मोटी बता देता हूँ ऑफकोर्स मार्स को एक ऑर्बिटर भेजा था उसने मार्स को सरफेस एटमॉस्फेयर एंड उसके मिनरल्स को स्टडी करने के लिए हमने भेजा और वहाँ उसने बहुत सारा काम किया अभी आप जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है थोड़ा सा खुद पढ़िए और अगर आप कोई भी डाउट होता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए या हमारा नंबर ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम आपको देंगे आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं ठीक है तो आज स्टार्ट करते हैं बेसिकली मिशन मून 2.0 दिस वाज बेसिकली द चंद्रयान 2 नॉट दिस गॉट फेल्ड इवेंचुअली वेरी सैड थिंग एंड यू नो इट उसके अंदर एक ऑर्बिटर था एक लैंडर था जिसका नाम विक्रम रखा था क्यों रखा था, course, विक्रम सारा भाई. And, था एक उसका अब हुआ क्या? कि जब वो लैंड करने लगा तो बेसिकली अनकंट्रोल और वो जाके हिट कर गया मून सरफेस को लैंडर एंड इन प्लेस एंड यू नो इट जो भी उसका काम था उसने किया कौन सी व्हीकल का लॉन्च किया यूज किया गया था इसमें जीएसएल जियो सिर्स लॉन्च व्हीकल एम के थ्री जो कि अभी तक का भारत का सबसे अच्छा लॉन्च व्हीकल है ठीक है अब इसके बाद जो अनाउंस किया गया है वो है चंद्रयान थ्री ठीक है कुछ कुछ मोटा मोटी चंद्रयान टू की तरह ही है ऑर्बिटर लैंडर उसमें शायद ऑर्बिटर ना ही हो है ना लैंडर एंड रोवर होगा ठीक है और सबसे पहले जो है चंद्रयान वन छोड़ा गया था इट वॉज द फर्स्ट मिशन टू द मून ठीक है भारत का पहला मिशन था और पी एस एल वी सी टू होता था उस समय उस समय उस से छोड़ा गया था और जो उसकी पे लोड था उस टाइम थ्री हंड्रेड एट्टी के जीज था अभी जो चंद्रयान टू छोड़ा गया था इसका थ्री टू नाइन के नाइन जीरो के जी वेट था ठीक है देखो लॉन्च व्हीकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें पी एस एल वी सी टू था इसमें जी एस एल वी एम के थ्री था इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी वो थ्री एटी थी इसकी नाइन सिक्सटी थी और दोनों का मोरऑल सेम ही काम था कि टू तो कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सप्लोर द लूनर सरफेस क्योंकि चंद्रयान टू में महंगा क्यों पड़ा क्योंकि उसमें लैंडर एंड रोवर दोनों था लैंडर दैट इज विक्रम एंड रोवर दैट इज प्रज्ञान याद रख लें क्योंकि तो पूछ लेता है आजकल यूपीएससी पूछ लेता है कि भाई लैंडर का नाम क्या था यू, रोवर का नाम क्या था आपको सेंटेंस दे देगा क्या मतलब घुमा के तो उल्टा दे दे तो आप कन्फ्यूज रहेंगे और जब कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है ठीक है और अगर ऐसा हो जाता अगर हम सॉफ्ट लैंड कर पाते हैं लूनर सर्फेस पे तो इंडिया वुड हैव हैिन फोर्थ कंट्री वी आर नॉट ट दंट्री बट देव दंट्री टू सैट सॉफ्टर रशिया यू एस एंड चाइनालीस पे भी देख सकते हैं ठीक है आपको जल्दी जल्दी चीजें नहीं पड़ जाएंगी और ये बेस्ट व्यूट हमारी टीम ने पूरा सर्च एंड ट्रायल कर दिया मैं थोड़ा तेज बोलता थो, हूँ ही तेज हो जाता है बहुत सारे बच्चे तो हमें मैसेज करते हैं कि सर आप थोड़ा आराम से ही बोला करें बहुत सारे वर्ड्स आपके समझ में नहीं आते ठीक है तो कोशिश करेंगे आराम से पढ़ाए आपको ठीक है अब अगला जो मिशन है वो आदित्य एलवन सोलर मिशन है ठीक है तो आदित्य एलवन सोलर मिशन है ठीक है अब इसमें एल क्या होता है ठीक है इसमें एल होता है पॉइंट ठीक है या लैंग रेंजेस ये लैंग्रेनियन पॉइंट देखो लैंग रेंजस पॉइंट क्या होते हैं दो अगर मैं सेलेस्टियल बॉडी लूँ प्लेनेटरी प्लेनेटरी बॉडी लूँ या कोई भी बॉडी लूँ जहाँ अब इसकी कुछ फोर्स होगी जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी इसकी कोई फोर्स होगी ये ए बॉडी है ये बी बॉडी है ये बी प्लेनेट है ठीक है ये अपनी तरफ खींचेगा तो लैंगरेंजस पॉइंट वो पॉइंट होते हैं इन दोनों के बीच में जहाँ एक दूसरे की फोर्स एक जगह ऐसी होगी जहाँ वो बैलेंस करेगी ठीक है भाई बराबर हो जाएगा वो तो बीच में ही रहेगा तो वो होते हैं। तो ऐसे लगभग लग लग तो तो हमें पंद्रह सौ के जी की कितनी के जी की पंद्रह सौ के जी की सेटेलाइट प्लेस करनी है किसमें सन को स्टडी करने के लिए तो आदित्य एलवन सोलर मिशन बड़ा एम्बिशियस मिशन है डिले चल रहा है पहले से लगभग लगभग लग लग दो हजार शायद बीस में इसको हो जाना था ठीक है तो कहाँ प्लेस करेंगे इसको लेगरेंजिस पॉइंट पे लेगरेंजस पॉइंट क्या होते हैं जहाँ की दो बॉडीज ये दो प्लान एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं ठीक है अब इसका पेलोड कितना था लगभग लग लग पंद्रह सौ के जी करेगा क्या ऑफकॉर्स ये बात है सन को पड़ेगा लेकिन सर के ऊपर तो सन के ऐसा नहीं कि मून की तरह आपने उतार दिया उसको रोवर और वहाँ पड़ रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा ऑर्बिट करेगा तब पड़ेगा उसको ठीक है सन अगर ये सन है तो ये जो होता है आपका बाहर ये सन का कोरोना होता है ठीक है जो ऐसे रेज हीट निकल रही होती है जिस जो सबसे बाहर का सरफेस होता है जो सबसे बाहर का सरफेस होता है उसको क्रोमोस्फेयर बोलते हैं ठीक है थीके? और जो उसके नीचे जो लेयर होती है उसको फोटोस्फेयर बोलते हैं ठीक है थीके? तो किसको स्टडी करेगा ये क्रोमोस्फेयर को एंड सन की कोरोना को ठीक है अब अगला जो वो था एक्सपो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेते हैं, क्या है एक्सपोसेट क्या है एक्सरेट क्या करेगा जो जो क्या होगा इसमें दो पेलोड भेजेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में कितनी टाइप की ऑर्बिट होती है ये भी आपको पढ़ाएंगे बस थोड़ी देर में पढ़ाते हैं कोई दिक्कत नहीं देन अगली बात करते हैं चंद्रयान थ्री की तो मैंने आपको बता दिया चंद्रयान टू क्योंकि फेल हो गया था उसके बाद चंद्रयान थ्री को अनाउंसमेंट किया गया है और इसके अंदर एक पेलोड होगा जिसका नाम होगा शेप शेप की फुल फॉर्म क्या है स्पेक्ट्रो पोलैरीमेट्री स्पेक्ट्रो पोलैरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ ठीक है प्लैनेट अर्थ ठीक है इस अब ये था अब पढ़ते हैं जो हमारी नेविगेशन है दो चीज़ें हैं दो मिशन है याद रखना कन्फ्यूज मत होना एक है गगनयान मिशन ठीक है एक गगनयान मिशन है गगनयान मिशन हमारा मैन मिशन है ठीक है अब से आप थोड़ा ध्यान सुने गगनयान ठीक है गगनयान जो मिशन है वो हमारा मैन मिशन है मैन मिशन है उसको हमें कहाँ भेजना है लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है ठीक है लो अर्थ ऑर्बिट होती है लगभग लगभग लेस देन टू थाउजेंड किलोमीटर या थाउजेंड किलोमीटर तक ठीक है लेस देन टू थाउजेंड किलोमीटर अर्थ से दो हज़ार किलोमीटर नीचे तक दो हज़ार किलोमीटर ऊपर जाके उसके थोड़ा अंदर पे तो लगभग पाँच सौ से दो हजार के बीच में लो अर्थ ऑर्बिट होती है तो करेंगे क्या भाई हमने एक यहाँ पे स्टार्ट करना है इग्निशन देना है इग्निशन के बाद क्या होगा सोलह मिनट में लो अर्थ ऑर्बिट में हमारे जो है आ, जो साइंटिस्ट होंगे पहुँच जाएंगे ऑफकोर्स देर आर थ्री साइंटिस्ट एंड आई गेस देर इज वन गर्ल इन इट है ना अ बिग प्राउड मोमेंट फॉर अस यू नो वेन वी लॉन्च द डे वी लॉन्च गगनयान अभी तो उसका खैर उससे पहले एक दम ही जाना है उसके बाद रियल साइंटिस्ट जाएंगे बट देन दैट विल बी अ ग्रेट डे इन दी यू नो इन हिस्ट्री ऑफ द स्पेस रिसर्च एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया एंड यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट एंड यू शुड यू नो कंट्रीब्यूट टू इट इन अ ग्रेट मैनर ठीक है तो ऐसा नहीं कि आप पढ़े ही करें आप कुछ कमाएं अपने देश के लिए करें जो भी करना है अपने देश के लिए करें ठीक है जो हमारा ब्रेन ड्रेन है उसे हमें रोकना है ठीक है कोई बात नहीं यार थोड़ा जाम ही तो है थोड़ी गंदगी है कौन साफ़ करेगा हम और आप ही तो साफ़ करेंगे हमारी और आपकी तो ज़िम्मेदारी है छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे चलेगा अब इसका मतलब ये कहते नहीं कि जो जा चले जाते हैं बाहर वो गलत बंदे हैं सब बंदे हैं वो भी तो घर वापस भेज रहे हैं तो रेमिटेंसेज इंडिया की क्यों आएंगे क्योंकि कोई बाहर जॉब कर रहा है और वापस भेज रहे हैं सब सही है ठीक है ज़्यादा गलत सही के डिबेट में मत पड़ा करो आप लोग ठीक है मैं मैसेज देखता हूँ कमेंट्स देखता हूँ हम लोग कई बार देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे गलत सही के हेर फेर में पड़ जाते हैं उसमें नहीं पढ़ना है आपको आपको एकदम फोकस देखिए स्टडी करने को इन्जॉय करना है जो अच्छा लगे वो करना है भाई पाँच घंटे पढ़ना है पढ़ना है उसके बाद दो घंटे दौड़ने जाना है दौड़ने जाना है तीन घंटे बैठने खेलना है खेलना है कैरम खेलना है बुक रीड करनी है गिटार बजाना है ऐसे शौक पालो ठीक है अब आपने क्या किया इसको छोड़ा इसको छोड़ के ये अर्थ ऑर्बिट में है यहाँ पे जो मॉड्यूल होगा ऐसा ऐसा मॉड्यूल होता है स्पेस एक्स का देखा अपना मॉड्यूल ठीक है एडिटर से बोलेंगे डलवा देंगे इमेज उसकी आ रही होगी आपके सामने ठीक है तो मॉड्यूल जो है उसके अंदर साइंटिस्ट बैठे होंगे और रिसर्च करेंगे उसके बाद वो ऑटोमेटिकली नीचे लैंड हो जाएगा जाके तो गगनयान मिशन क्या है इट इज़ बेसिकली आपको क्या करना है स्पेस में अपने साइंटिस्ट को भेजें और इंडिया जब ऐसा कर लेगा तो यूएस रशिया और चाइना के बाद फोर्थ नेशन हो जाएगा ठीक है और इसकी जो कॉस्ट आएगी वो लगभग लगभग लग लग दस हजार करोड़ है ठीक है अब बात करें अगर हम सेटेलाइट नेविगेशन की तो अब मैंने क्यों कन्फ्यूजन आपको क्या बोलता ध्यान से देख गगनयान गगनयान किसके लिए है भाई गगनयान आपको मैन मिशन है ठीक है गगनयान आपको क्या है मैन मिशन है अब क्या है गगन गगन क्या है आपका गगन क्या है गगन आपका जीपीएस एडेड जियो ऑग्युमेंटेड नेविगेशन ठीक है जीपीएस एडेड जियो ऑग्युमेंटेड नेविगेशन अब इसके बाद एक और है इससे आप इसको आप कंफ्यूज मत करना जो आपका नाविक है इसके बाद आएगा नाविक नाविक हमारा जीपीएस है ये जो बेसिकली गगन है ये बेसिकली हमारा एक सैटेलाइट इसमें दो सैटेलाइट हैं एक तो याद रखना एक तो जी सेट एट है जी सेट टेन छोड़ी गई है ये सैटेलाइट जो नीचे बीम करती है इसको जो ज्वाइंटली इंप्लीमेंट किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इंप्लीमेंट किया गया है ठीक है एंड इट इज़ अ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम ठीक है इट से हम नेविगेट करते हैं एस बी है एस जिसको बोलते हैं बेस्ड नेविगेशन सिस्टम और ये बेसिकली सिविल एविएशन के लिए है एविएशन के लिए है ये सिविल एविएशन ठीक है ताकि सिविल देखो जो एयर ट्रैफिक होता है ना जैसे हमारे यहाँ नीचे हाईवेज होती हैं ऊपर भी हाईवेज होती हैं एक्सप्रेस वेज होते हैं ऊपर भी तो उनको जो कनेक्ट करने के लिए उनको बेटर जीपीएस देने के लिए उनको बेटर पाथ देने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो इट इज बेसिकली और फॉर दी दर्पजेज ऑफ सिविल एविएशन जो हमारे इंडिगो के फ्लाइट स्पाइस जेट के विस्तारा के जो प्लेन उड़ते हैं ये सब जो गगन है वो उनके लिए है ठीक है जो जी है हमारा जो जी है उसका नाम क्या है नाविक या उसको इंग्लिश में बोल दिया है उन्होंने आई आर एन एस एस दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम ठीक है अब ये क्या करेगा बेसिकली इसमें सात सेटेलाइट है ये पूछ चुका है यूपीएससी दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है ठीक है ये चार सेटेलाइट है ऐसे और ये तीन हैं ऐसे ठीक है तो इस बेसिकली सेवन सेटेलाइट से कॉन्सुलेशन है और वो आ, उसको बीम करती हैं और ये जीपीएस हमारा इंडिया का अपना जैसे इसको नाविक इसलिए उसको आपका नाविक बोला गया है जैसे जो जीपीएस है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वो यूएस का है ऐसे ही रशिया का अपना है चाइना का अपना है तो इंडिया क्या है नाविक

र एस क्योंकि इसकी जो एक बहुत अच्छी है इसकी एक्यूरेसी लगभग लगभग बीस मीटर है ठीक है इसकी एक्यूरेसी कितनी है बीस मीटर है और ये बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है तो रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज क्या हो गया ये बेसिकली ऑथराइज पर्सनल मिलिट्री डिफेंस के लिए ही यूज किया जाएगा इनक्रिप्टेड सर्विसेज के रूप में ठीक है एक्यूरेसी मैंने आपको बता दिया लगभग लगभग बीस मीटर और ये कितना कवर करेगा जो इंडिया का जो एरिया है ये तो कर कवर करेगा इसके बाहर लगभग लगभग पंद्रह सौ किलोमीटर तक और करेगा तो हम जो है बेसिकली और देशों को भी कुछ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे ठीक है और क्या क्या फायदे हैं इसके एक तो आपका टेरेस्ट्रियल एरियन एंड मरीन नेविगेशन में मदद करेगा ये ठीक है आपकी जो रोडें हैं आपकी जो हवाई जहाज हैं हवाई जहाज के लिए हमने गगन बना रखा है लेकिन ये भी करेगा मरीन हो गया आपकी शिप्स ठीक है डिजास्टर मैनेजमेंट में आपकी मदद करेगा व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट में मदद करेगा कि यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कैसे जाए ठीक है मोबाइल फोन से इंटीग्रेट हो सकता है तो और कितना डाटा कलेक्ट होगा और ये जो आपका डाटा है वो हमारे देश में रहेगा सबसे तो बड़ी बात है ठीक है क्योंकि ये इंडिया का अपना है ठीक है अब कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं एक किसी बच्चे का कमेंट आया था कि सर जियो स्टेशनरी और जियो सिग्नस के बीच में क्या फर्क होता है तो बड़ा कोई फर्क नहीं होता जियो स्टेशनरी जो है एक टाइप की जियो सिंक्लोनस ऑर्बिट ही है देखो जियो सिंक्लोनस मतलब सिंक में है कि अर्थ घूम रही है उसके साथ साथ आपकी सैटेलाइट घूम रही है ठीक है तो आपको जो है जिस पोजिशन पर आप देखेंगे सैटेलाइट वहीं पर आपको मिलेगी हर दिन दिखती हुई जियो स्टेशनरी एक टाइप की जियो सिंक्लोनस ऑर्बिट है जो कि अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटरल प्लेन के ऊपर ये इक्वेटर के प्लेन से ये मैच करती है मतलब अगर मैं आपको कैसे दिखाऊं दिखाऊँ बार बॉल लेके आऊंगा ठीक है इक्वेटर का जो प्लेन है अगर अगर आप एक टेनिस की बॉल लें ठीक है टेनिस की बॉल लें बीचों बीच, बीच काट दें तो वो अगर आप इसको इक्वेटर माने तो इक्वेटोरियल प्लेन हो गया और उसके अराउंड जब जब एक जब वो बॉल बॉल काट दें काटने के बाद उसके ऊपर एक कागज रखें और कागज के ऊपर एक दूर गोलाई बनाएं तो वो आपकी कौन सी ऑर्बिट हो जाएगी जेस्टेरी ऑर्बिट ठीक है जिशनर्थ, जिशनर्थ, जिशनर्थ और इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोला जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ठीक है अब वो टॉपिक कि वैसे कोई पढ़ाता नहीं है लेकिन हमें लगता है किसी ना किसी दिन पूछ लेगा तो पढ़ा देते हैं ठीक है और अर्थ तो ऑर्बिट कितने टाइप की होती है तो इंक्लिनेशन के बेस पे कैसा इंक्लाइनेशन है उसका एक तो आपका मैंने जो आपको जियो स्टेशन ऑर्बिट का एग्जाम्पल दिया तो एक क्या हो गया आपकी इक्वेटोरियल ऑर्बिट ठीक है अगर ये अर्थ है और ये इक्वेटर है तो ये वाली जो ऑर्बिट हो गई ये वाली जो ऑर्बिट हो गई ठीक है एक हो गई आपकी पोलर ऑर्बिट पोलर ऑर्बिट क्या हो गई ये वाली पोलर के ऊपर से जो है ठीक है और पोलर और को छोड़ के आप कोई भी प्लेन में अगर काटेंगे तो यह क्या हो गया आपका इंक्लाइंट ऑर्बिट ठीक है ये थी किसकी टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ऑन बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन। अब टाइप्स ऑफ ऑर्बिट बाय शेप तो दो टाइप की होती है एक तो गोल सर्कुलर एक होती है इलेप्टिकल ठीक हैल अब बात करें अगर हम एल्टीट्यूड की तो तीन टाइप की होती हैं एक मैंने आपको बता दिया लोअर ऑर्बिट तो अगर हम लगभग वन सिक्सटी किलोमीटर से टू थाउजेंड किलोमीटर की बात करें उसके बीच में अगर सेटलाइट रहती है तो क्या हो गया आपका लोअर्थ ऑर्बिट पाँच हज़ार से दस हज़ार किलोमीटर के बीच में रहती है तो क्या होगा आपका एम ई मीडियम अर्थ ऑर्बिट मीडियम अर्थ ऑर्बिट में बेसिकली ज़्यादा सेटेलाइट मिलती नहीं है आपको या तो जियो दैट इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो कि लगभग लगभग पैंतीस हज़ार आठ सौ किलोमीटर अर्थ के ऊपर से वहाँ पर मिलेगी या अर्थ ऑर्बिट में मिलेगी ठीक है तो ये क्या था टाइप्स ऑफ

और एक हमें एंटीना चाहिए रेडिएट करने के लिए उसके अंदर जो फंक्शनिंग है वो चेंज होती है ऐसे हमने दो बस बना रखी है ठीक है तो एक है सरल सरल क्या है आई एम एस टू भी बोला जाता है एक हाँ आपका यूथ सेट टू यूथ सेट इसको आई एम एस वन बोला जाता है तो ये दो बसेज हैं ये बेसिकली मिनी सेटेलाइट को प्लेस करने के लिए जाने के लिए यूज़ की जा सकती हैं तो स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना ही रहेगा थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए कोई भी समस्या आप हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा एंड वी आर ऑलवेज विद यू यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर दैट इज 8630711706 सिक्स थ्री जीरो सेवन डबल वन सेवन जीरो and एंड द प्ले लिस्ट नेम फॉर देश साइंस एंड टेक्नोजी फाउंडेशन अल्फाईर्यर्स कैसे अलग है और इंस्टीट्यूशन से तो ये बता देते हैं हम लोग जो है कोई हमारा पेड कोर्स नहीं है ठीक है और जो भी कोर्स हम बनाते हैं वो इन फुल बनाते हैं पूरा सिलेबस कवर, कवर करते हैं हमारी जो सॉफ्ट कॉपी और नोट्स है वो भी फ्री है हमारी जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर है, वो भी फ्री हैं ठीक है ठीके? तो हम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो यूट्यूब पे रिलाई करता है तो जितना जितना आप ज़्यादा देखेंगे उतना ही हम अच्छा कमा पाएंगे और जितना अच्छा कमा पाएंगे उतना ही आपको बेटर डिलीवर कर पाएंगे उतनी अच्छी हम टीम बना पाएंगे सो ऑन दैट नोट टेक केयर कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी बाय